मैडम हम क्या देखते हैं कि हमारे में से बहुत सारे युवा वर्ग है कि जो अपनी काबिलियत तो है, उनके अंदर टैलेंट है, प्रतिभा है, फिर भी वो लोगों के सामने आ नहीं पाते हैं। और दूसरा जिसका हम जिससे बात कर रहे हैं कि उनमें ये आत्मविश्वास कमी क्यों है? इसके कई सारे कारण हैं। एक कारण तो जो है वो इनहेरेंट नेचर हो सकता है, जिसको हम कह सकते हैं कि स्वभाव में ही थोड़ा सा शाइनेस है, इंट्रोवर्जन है। इसको हम कोई गलत नहीं मानते, कोई कमी नहीं मानते। धीरे धीरे जब शाय व्यक्ति बड़ा होता है तो उसको ये समझ में आने लगता है कि सोशल स्किल्स की इम्पोर्टेंस क्या है, और वो धीरे धीरे सीखने लगता है, बढ़ने लगता है। पर कभी कभी ये स्किल्स सीखने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती और आत्मविश्वास कम होता चला जाता है। एक कारण तो ये। दूसरा एक कारण ये है कि अगर आसपास के लोगों से अप्रिसिएशन ना मिले, जैसे अपने घर में पेरेंट्स के द्वारा या स्कूल में टीचर्स के द्वारा या अपने पीयर ग्रुप में जहाँ पर वो ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, वहाँ पर उनको उनकी कमियाँ गिनाई जाएँ, उनकी गलतियों को बढ़ा चढ़ा के बताया जाए, खूब ज़्यादा डांटा जाए, तो उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है। सेल्फ डाउट क्रीप इन करने लगता है कि मैं कुछ कर भी पाऊंगा या नहीं, मैं सही भी हूँ या हमेशा गलत ही हूँ। काम करने से पहले हाथ कांपने लगते हैं, पैर कांपने लगते हैं कि मेरे से तो गलती ही हो जाएगी, मुझे सही काम किया ही नहीं, मैं तो कभी सही काम कर ही नहीं पाऊंगा। ये सेल्फ डाउट आने से क्या होता है कि आत्मविश्वास कम हो जाता है। सेल्फ एस्टीम को अगर हम देखें तो इट इज एन एस्टिमेट अबाउट योर सेल्फ वर्थ। क्या आप अपना आकलन किस तरह से करते आप हैं? अपना आकलन सपोज करिए कि मैंने अपना आकलन 100 रुपये करा हुआ है कि मेरी वैल्यू 100 रुपये है। आप मेरी तारीफ कर रहे हैं और मैंने आपकी तारीफ से ये समझ लिया कि 300 रुपये में पहुंच गई, तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, ओवर एस्टिमेट अबाउट माई सेल्फ। और अगर आप मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं और मैं 100 से सीधा 0 पर आ गई, तो आई एम अंडर एस्टिमेटिंग माई सेल्फ। तो क्या है कि जब सेल्फ एस्टीम हमें अपनी देखनी है तो हमें अपनी ही स्ट्रेंथ्स और अपनी ही वीकनेसेस के बारे में ज्ञान होना ज़रूरी है। पर हम करते क्या है, हमारी टेंडेंसी क्या है, हम दूसरों के ओपिनियन से अपनी सेल्फ एस्टीम बनाते, उसको अपने आप कभी इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते, अपने आप बारे में खुद नहीं सोचते। मैं हार्डवर्किंग हूँ, मैं टॉल हूँ, मेरे अंदर ये कला है, मेरे अंदर ये क्रिएटिविटी है, तो मुझे मेरी स्ट्रेंथ्स का खुद पता हो गया। पर जिस तरह से मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, तो चाहता नहीं समाज उसको स्वीकार करे, उसको करे। पर 100 से 110 और 90 तो ठीक है, पर ये जो फ्लक्चुएशन हो रहा है 300 और 0 का, यहाँ पर गड़बड़ हो रही है। तब ये 100 का 300 मानना है, 100 का 0 मानना है, जी, ये किस बात पे निर्भर करता है कि हर एक ने अपना करेक्ट इवैल्यूएशन तो नहीं कर पाएगा ना? नहीं कर पाएगा। पर आप को ईश्वर ने एक सपोज करिए एक ज्वेलरी का बॉक्स दिया है, आपकी खुशियों का, आपके आत्मविश्वास का, उसकी चाबी आप दूसरों में बांट देंगे तो उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे, है ना? तो आप अगर मुझे करेक्ट कर रहे हैं, आप अगर मेरी गलती बता रहे हैं, तो मैं उसे करेक्ट करके इम्प्रूव करूं, ये बेटर है, ना कि मैं आपके ओपिनियन से अपने आप को ये समझ बैठूं कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। हो सकता है सामने वाले आदमी कोई बायस हो, पूर्वाग्रह से, कि मैं चाहता हूं कि आप डाउन ही रहें करके इससे मैं आपको क्रिटिसाइज करूं, आपकी आलोचना करूं। जी, तो उसमें जो इम्प्रूवमेंट का पॉइंट है, जो जेन्युइन इम्प्रूवमेंट का पॉइंट है, अगर वो मैं ले लेती हूं और बाकी सब छोड़ देती हूं, तो वो मेरे लिए 100 और 90 का फर्क हुआ। और अगर मैंने 3 दिन तक के खाने ही नहीं खाया, मैं नींद मेरी उड़ गई और मैं बार बार वही बात सोचे जा रही हूँ कि सर ने मेरे बारे में ऐसे कैसे कह दिया, और अरे मैं तो ऐसी हूँ, और अब तो मैं कैसे किसी को मुंह दिखाऊंगी, तो मैंने अपने आप को 0 पे ले आई, मेरा सेल्फ एस्टीम बिल्कुल डाउन हो गया। तो जो आप कारण पूछ रहे थे, तीसरा कारण जो है वो ये है, इसको हम सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी कह सकते, जहाँ पर हमें ये पता ही नहीं चलता कि हमें सोशल एंजाइटी नाम की कोई बीमारी है, जिसकी वजह से हम हर बार एक छोटी सी बात को इतना बड़ा अपने मन में बना लेते हैं और फिर लोगों से कतराने लगते हैं। शादी ब्याह में नहीं जाना, किसी से मिलने जुलने में कतराना, सामाजिकता टालते, सोशली मिंगल नहीं होना चाहते, सोशल प्रेजेंटेशंस नहीं देना, स्टेज पे खड़े होकर बोल नहीं पाना। पर ये कारण है कि उसका इफेक्ट है ये कि आप में आत्मविश्वास कमी, इसलिए आप ये सामाजिकता टाल रहे हैं, तो ये कारण हुआ या उसका असर हुआ? ये आप में आत्मविश्वास की कमी है, ये एक सिम्टम है उसका, सोशल एंजाइटी का, कि आप में आत्मविश्वास कमी इसलिए आप सामाजिकता टाल रहे हैं। हाँ,
मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये उसका सिम्टम है या उसका इफेक्ट है? उसका इफेक्ट है, ये वाइस वर्सा है. अच्छा, ये एक विशियस साइकिल है. अच्छा, आपने पहले अवॉइड, देखिए कोई भी डर है, जैसे आपको अगर छिपकली का डर लग रहा है तो आप क्या करेंगे, छिपकली को हर कीमत पे अवॉइड करना है. मुझे खिड़कियां बिल्कुल बंद चाहिए, पर्दे बिल्कुल बंद चाहिए. छिपकली अगर बाथरूम में है तो आप पहले किसी का हाथ पकड़ के ले जाते हो, भाई बाथरूम चेक कर ले, वहाँ पे छिपकली तो नहीं है. सोशल एंजाइटी वाला व्यक्ति इसी तरह से सारे सोशल सिचुएशंस को अवॉइड करने लगता है. वो सोचता है अवॉइड कर लूँ तो मुझे कोई तकलीफ ही नहीं होगी, अवॉइड करने से मेरा काम चल जाएगा. तो बोले प्रेजेंटेशन है उस दिन एब्सेंट हो जाओ, स्कूल ही मत जाओ. जिस दिन कोई शादी है ब्याह है उस दिन ये कह दो मुझे तो बुखार आ गया, मैं तो नहीं जा सकता, आप लोग चले जाओ. अवॉइड करना सिचुएशन बहानेबाजी से. तो ये उसके कारण से और आत्मविश्वास कमी और उसी कारण से और सामाजिकता से और सामाजिकता, तो एक चक्र चले जा रहा है, विशेष साइकिल बन गया, चली जा रही है जी. और ऐसा माना जाता है कि अगर जो पूर्व अनुभव होते हैं, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं जी, वो भी इसमें एक बड़ा रोल इसमें अदा करते हैं जी. बिल्कुल. तो डॉक्टर अल्बर्ट एलिस जो REBT के रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, जिन्होंने कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दुनिया को दी, उन्होंने किताब में लिखा कि दो छोटे छोटे से बच्चे हैं. एक बच्चा आपने उसको गोद में उठाया, वो हंसने लगा, खिलखिलाने लगा, खेलने लगा, तो आप उसको और खिलाओगे. धीरे धीरे जब वो बढ़ेगा तो वो एक सोशल इंसान बनेगा. एक दूसरा बच्चा है, आपने उसे उठाया, वो रोने लगा, तो आप फटाक से उसे नीचे रख दो, ढूंढोगे भाई इसकी मम्मी कहाँ है, इसको उठा लो. वो टची बच्चा है. वो धीरे धीरे जब बड़ा होगा तो वो लोग भी उसको अप्रोच नहीं कर रहे, वो भी लोगों को अप्रोच नहीं कर रहा. तो बायोलॉजिकली पहले डिफरेंस था थोड़ा सा, फिर धीरे धीरे एनवायरमेंट के इंटरेक्शन के साथ साथ पास्ट एक्सपीरियंसेस एड ऑन होते गए. ये व्यक्ति बिल्कुल अलग बना, वो व्यक्ति बिल्कुल अलग बना. अब इन दोनों का एनवायरनमेंट कैसा इनको मिलता है, कैसे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, उससे निर्धारित होगा कि इनका कॉन्फिडेंस किस लेवल तक कम होगा या किस लेवल तक बढ़ेगा. सपोज दूसरे वाले बच्चे को किसी ने प्यार से सहला के उसको अप्रोच किया, तो धीरे धीरे उसके मन में विश्वास जागेगा कि नहीं, दुनिया अच्छी भी हो सकती है, लोग अच्छे भी हो सकते हैं, तो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस से बढ़ जाएगा. और अगर लोगों ने अवॉइड करना शुरू कर दिया कि यार ये तो रोता है, तो चिड़चिड़ा है, इसको तो अप्रोच ही मत करो, तो वो भी लोगों के बारे में यही सोच रहा है, लोग भी उसके बारे में यही सोच रहे हैं, तो वो अलग थलग होता चला गया, तो वो सोशली कट होता चला गया. जितनी नेगेटिविटी उसको मिलती है, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, तो उसका उसके स्वभाव पे, उसके वृत्ति पे, उसके करेक्टर पे नेगेटिव असर होता है. तो कोशिश होनी चाहिए हर जगह पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी की.